बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन एक एकड़ प्याज की जो पटाई हम कर रहे थे वो कंप्लीट होने वाली है। मार्केट में इसका अभी इस वक्त जो रेट मिल रहा है तकरीबन 1200 रुपए मन के हिसाब से। तो यहाँ पे लेबर काम कर रही है और चूँकि रकबा पक्के वाट के होने की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें। बहरहाल इसके बावजूद भी प्याज की जो पोजीशन है वो अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज की मोटाई इतने तक हुई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी ग्रोथ भी हुई है। तो तकरीबन चौथा हिस्सा जो है ना इस वक्त प्याज बचा हुआ है, तो तीन हिस्से प्याज के जो है ना वो हमने इसकी पटाई कर ली है। तो बेसिकली इरादा यही है कि असल में जो इरादा मेन था वो तो इंटरक्रॉपिंग का था कि इसमें एक एक दो एकड़ जो प्याज लगाया था उसमें इंटरक्रॉपिंग कर लेंगे। तो ये रिजर्व रिचरी है, इस पे हमने प्याज लगाया था और इसी पे हमारा इरादा था कि इसी पे हम जो है ना दरमियान में मिड में यहाँ पे जो है ना वो काटन लगा देंगे। फिर रेट कम होने की वजह से हमने फैसला किया कि एक एकड़ की पटाई कर लेते हैं, उसको दोबारा तैयार करके उसमें काटन लगा देंगे और एक एकड़ की जो है ना इंटरक्रॉपिंग कर देंगे। अभी जो एक एकड़ सामने ना आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे, मिडल में इसको जो है ना हम टॉप पे जो है ना इसके चरी के वो हम काटन लगा देंगे और जो है ना इसके साथ ही जो है ना इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि ये इसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होगी और प्याज भी हमारा जो है ना वो आखिर तक रहेगा और कोशिश करेंगे कि इसका हमें अच्छा रेट मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इस एकड़ की तोड़ाई की जो मेन वजह थी वो यही थी कि ये जो है ना एक तो तजर्बा हो जाएगा कि कच्चा प्याज बेचने का हमें क्या फ़ायदा होता है, दूसरा मेन चीज़ जो वो ये होगी कि इधर इंटरक्रॉपिंग कर देंगे जो पहला वाला एकड़ है उस पर प्याज के साथ अपना काटन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा इरादा है काटन के साथ हम टिंडा लगा देंगे, चूँकि पिछले साल भी मैंने टिंडा काश्त किया था काटन में तो वो भी ठीक रहा था। तो ये जो गैप है रेट का इसका जो है ना उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह अज़ीज़ इस गैप की जो कमी है ना वो टिंडे की वजह से हो जाएगी। तो टिंडा चूँकि गर्मियों की एक बेहतरीन जो है ना फसल है और रेट भी उसका अच्छा मिल जाता है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़ टिंडा हमें इसका जो है ना रेट की जो कमी है प्याज की जो सब्ज़ प्याज की वो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसकी अच्छी मिल जाएगी। तमाम दोस्तों का आखिर तक रहने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तमाम दोस्तों की मेहरबानी। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।